नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। पटना के सुधा डेयरी फुलवारी शरीफ में हुआ दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन। देश ही नहीं विदेश से भी आए लोगों ने उठाया दही का लुत्फ। करीब 700 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। प्रणय शंकर नाम के बुजुर्ग बने विजेता। मकर संक्रांति को बीते कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन दही खाने वालों की ललक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सुधा डेयरी फुलवारी शरीफ परिसर में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लोगों ने जमकर दही खाई। इसमें करीब 700 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और जमकर दही खाई। इस बार विदेश से भी दर्शक आए थे। दही खाना है और साथ साथ इनाम भी पाना है। जी हाँ, दही खाओ प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता सुधा डेयरी में आयोजित हुआ है और इस आयोजन में दही खाने का लुत्फ उठाने के लिए बिहार के कोने कोने से, दूसरे राज्य से भी सैकड़ों महिला पुरुष प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में लड़कियां भी बड़े उत्साह से दही खाने और इनाम पाने में लगी दिखी। आप भी देखिए किस तरह से महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ इसमें शामिल होकर और दही खाकर सर्वोच्च स्थान लाने के लिए होड़ में लगी दिख रही हैं। देखिए इन महिलाओं को 3 मिनट के समय में दोनों हाथ लगाकर दही खाकर जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। इस आयोजन की युवतियां और महिलाएं काफी उत्साहित दिखी। वहीं पिछली बार की विफल प्रतिभागी इस बार फिर से जोर से आजमाइश की। वहीं पुरुष वर्ग के प्रतिभागी भी दही खाकर इनाम पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते दिखे। जहानाबाद से आए प्रतिभागी सह पूर्व विजेता प्रणय शंकर ने जहां पिछले बार 12 डिब्बा दही खाया, इस बार अपनी जीत कायम की थी। वहीं इस बार सबसे ज्यादा दही खाकर खेल के सरताज रहे। वहीं दही खाने के दौरान इनको हराने की होड़ में कई युवा प्रतिभागी ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया और मुंह में भरपूर दही लगाकर दही खाया। आप भी देखिए कैसे खा रही हैं दही। इस प्रतियोगिता में किसानों पर रिसर्च करने के लिए शामिल विदेशी भी लुत्फ उठाते दिखी। इस मौके पर कॉम्फेड अधिकारी इन विजया लक्ष्मी ने कहा कि दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में हर साल की भांति इस साल काफी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। जहां पुरुष में प्रणय शंकर 3 मिनट में सबसे पहले दही खाने में सफल हुए, वहीं महिलाओं में प्रेरणा तिवारी ने लगभग 3 किलो दही खाकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस दही खाओ प्रतियोगिता का लुत्फ हर किसी ने उठाया। आयोजक भी प्रतियोगिता की सफलता से खासे उत्साहित हैं। उनके मुताबिक दही खाओ प्रतियोगिता कभी गांव के माटी पर शामिल था, मगर अब ये शहर में भी लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन गया है। सुधा डेयरी की यह पहल न सिर्फ उनके कर्मचारियों और लोगों के बीच मनोरंजन का साधन बना, बल्कि आम लोगों के बीच दही के माध्यम से आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने का एक पैगाम देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 122वीं जयंती पर पटना के गांधी मैदान में राजकीय समारोह का आयोजन, जिसमें सूबे के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद हुए और उन्हें इस अवसर पर याद किया। वहीं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। सुभाष चंद्र बोस जी की राजकीय जयंती पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ईवीएम हैकिंग मामले पर दी सफाई। कहा, ईवीएम बिल्कुल ठीक है, ईवीपैड सभी बूथ पर होगी, सुनिश्चित व्यवस्था, किसी के कहे बातों नहीं पड़ता है फर्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ईवीएम को पहले ही अपेक्षा और बेहतर किया गया है, वोट डालने की पर्ची सभी के घर तक पहुंचने की होगी व्यवस्था। ईवीएम बिल्कुल, और जब वीवीपैट हर बूथ पर हो जाएगा तो उसके बाद क्या समस्या है? लेकिन ये कुछ भी बात कही जा रही है, हम इस चीज से सहमत नहीं है। मेरे हिसाब से ईवीएम ये मत का जो अधिकार है उसको इसने और ज्यादा मजबूत किया है। पहले जिस ढंग से बैलेट पेपर पर होता था और अनेक जगहों पर बोगस मतदान होता था, बूथ पर कब्जा होता था, ईवीएम के बाद वो संभव नहीं था। और जो अभी उसके साथ वीवीपैट का सिस्टम आ गया, मैं समझता हूं यही बहुत है। और हम लोगों ने यह भी कहा है कि भाई जो पर्ची है मतदान, वो घर घर उसका वितरण होना चाहिए। यह नहीं किसी एक व्यक्ति को जिम्मा दे दिया जाए कि वो वितरित कर देंगे, यह नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति सबको अगर वितरित नहीं करेगा तो फिर बोगस वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए एक एक घर में उसका वितरण होना चाहिए और प्रत्येक परिवार में जो वितरण किया जाए तो उसका रिसीव करने का, प्राप्ति का उस पर प्रमाण होना चाहिए, हस्ताक्षर या जो कुछ भी। लेकिन आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के सुरक्षा दृष्टिकोण से छेड़ा अभियान, यातायात के नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान। डीआईजी के आदेश के बाद पटना पुलिस हरकत में, अपराध नियंत्रण को लेकर जगह जगह चलाया जा रहा है सघन वाहन चेकिंग अभियान। पटना के कदम कुआं थाना अंतर्गत चलाया वाहन चेकिंग अभियान, थाना अध्यक्ष खुद अपने दल बदल के साथ कर रहे हैं वाहनों की चेकिंग। राजेंद्र नगर गोलंबर पर चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान।
प्रियंका गांधी के यूपी प्रभारी बनने के बाद तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान। प्रियंका गांधी के आने से पूरी जान आ गई है कांग्रेस में। प्रियंका गांधी पूरी तरह से इंदिरा गांधी की तरह उनकी भूमिका में है। वह पहले ही राजनीति में है, लेकिन कुछ हालात के चलते वह पूरी तरह से नहीं आई थी, लेकिन अब उनके आने से ब्लंडर विस्फोट होने वाला है। 2019 से 2020 के चुनाव में वह छक्का छुड़ाएंगे विपक्षियों के। जाना चाहिए था पूरी तरीके से, और यह इंदिरा गांधी जी के भूमिका में है। कितना चेंजेस आएगा कांग्रेस का, कितना चेंजेस? एक मिनट, कितना लगता है कि गेम चेंजर होंगी वो? गेम चेंजर? एक मिनट रुकिए भाई साहब, थोड़ा सा रुक जाइए। गेम चेंजर होंगी वो? गेम चेंजर क्या, पहले से है राजनीति में कुछ ऐसी हालातें बनी जिसके लिए जिससे वो राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाई। अब अचानक से इनकी एंट्री हुई है, एकदम ब्लंडर विस्फोट होने। 2019 का ध्रुव का पत्ता साबित होगी वो? 2019 के चुनाव में ध्रुव का पत्ता साबित होंगी वो? देश में छक्का छोड़ाएंगे एक महिला होने के नाते, सब दुश्मनों को परास्त कर। लगता है कि राहुल गांधी थी जो सफल नहीं रहे उनका यही? राहुल गांधी भी सफल रहा है, ये भी सफल। क्या कांग्रेस में जान फूकेंगे? कांग्रेस में जान फूक पाएंगे? हाँ, इंदिरा गांधी जी कांग्रेस पार्टी में जाके कैसी उनकी छवि, प्रियंका गांधी की छवि किन में दिखती है? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से 3 अपराधी गिरफ्तार। उद्योगपति को लूटपाट और हत्या करने की योजना बनाने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। फतुहा थाना क्षेत्र में नवंबर 2018 में भी लूटपाट के क्रम में हत्या करने की घटना को दिया था अंजाम। गिरफ्तार अपराधियों ने अपनी संलिप्तता को किया स्वीकार। गिरफ्तार अपराधी के पास से देसी कट्टा भी पुलिस ने बरामद किया। मुख्य लाइनर समेत 3 गिरफ्तार अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना पुलिस को हाईवे पर चोरी लूट की घटना को अंजाम देने वाला अपराधी गिरफ्तार। नदी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय पथ संख्या 31 से थड़ को चोरी करने वाला 7 अपराधी गिरफ्तार। हाईवे में खड़े ट्रक पर लदे थड़ को चोरी करने की घटना को अंजाम देते थे। ट्रक चालक की भी भूमिका पर पुलिस कर रही है जांच। अपराधियों के पास से 32,000 नकदी रुपए भी बरामद। ट्रक पर 10,00,000 रुपए के लदे थे छड़। ASP अभियान ग्रामीण SP DSP के नेतृत्व में की गयी थी टीम गठित। SSP गरिमा मलिक ने की पुष्टि। हमारे पास जो पुलिस के जो अभियान के कैमरे लगे हैं, हमारे पास जो है यहाँ पे मेरे कंट्रोल रूम में अभी जो कैमरे हैं वो सभी कार्यरत हैं। मेरे कंट्रोल रूम में जो चलते हैं वो सभी कार्यरत हैं। उसके अलावा किसी को आप रेफर कर रहे हैं तो मैं वो लेकिन चार कैमरे ट्रैफिक पुलिस जो है उससे मैं बात कर लेती हूँ। मेरे यहाँ पर जो SR हम लोगों का 100 का जो कंट्रोल रूम है इसमें सारे के सारे जो है वो कार्यरत हैं। अगर कहीं से कोई बंद हुआ है तो डेफिनेटली जो है हम इसमें देखकर फिर उसको ले देती चाहते हैं। पे भी अगेन जो है हम लोग को कल रात में जो है सूचना प्राप्त हुई है पटना पुलिस को कि नदी थाना का कुछ इलाका जो है और बख्तियारपुर का इलाका है वहां पर जो है सूचना आई, सॉरी बख्तियारपुर नहीं, NH 31 का कुछ इलाका है जहां पर कुछ जो लदे हुए छड़ से ट्रक आते हैं उसमें से छड़ काटा जाता है, कुछ मतलब उसको निकाल लिया जाता है और उसको अगेन फिर इलीगली जो है जो मालिक है उसको लॉस कराते हुए जो है उसको सेल किया जाता है। इसमें भी कुछ जो है गैंग्स जो है वो लगे हुए थे। तो जब सूचना आई तो उसमें जो है कार्रवाई करते हुए 2 टीम्स जो है पुलिस की निकली और उसमें एक जो है आपका मौजीपुर गंगा घाट जो है यहाँ पर से और दूसरा जो है NH 31 पर पुराना ढाबा के पास जो है ट्रक लदा हुआ छड़ से उससे अलग निकाल करके रखा हुआ जो है उससे जो है चोरी करने की दृष्टि से जो है छड़ जो है वो मिला है जिसकी वैल्यू लगभग जो है 10,00,000 थी और उसमें लगभग 7 अपराध कर्मी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। इनके साथ जो है 32,000 रुपए नकदी मिला है और फिर मोबाइल और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीज हुए हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहे MUZ News के साथ। धन्यवाद।